और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय सह सचिव निर्मल सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेता 2019 में कांग्रेस से अलग हुए थे। निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा, जिन्हें हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों में गिना जाता था, लेकिन इन दोनों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। अमन कपूर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, पहला सवाल तो यही है, इस्तीफे की वजह क्या है? देखिए, अभी कोई वजह जो है स्पष्ट नहीं की गई है। निर्मल सिंह हो या उनकी बेटी चित्रा सरवारा, उनकी तरफ से कोई भी वजह स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन ये कहा गया कि निजी कारणों के चलते वो जो है आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और सुशील गुप्ता को ये इस्तीफा जो है दोनों की तरफ से भेजा गया है। तो वही बात करें तो कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं निर्मल सिंह, और निर्मल सिंह की नजदीकियां भी कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे रही है। तो काफी समय से ऐसी संशय चल रहा था कि जो निर्मल सिंह है वो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं, तो वो अंदाजा काफी दिन से लगाया जा रहा था और ऐसी चर्चाएं भी थी। तो उस पर आज कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। दोनों जो पिता पुत्री हैं उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। 2019 के दौरान जब अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा को टिकट नहीं दिया गया था, तब निर्मल सिंह ने एतराज जताया था और कांग्रेस और से जो है अलग हो गए थे, और तब से उसके बाद उन्होंने अपना फ्रंट भी बना लिया था HDF के नाम से। तो जो मेयर का इलेक्शन है वो भी अंबाला शहर से उन्होंने लड़ा था, लेकिन ज्यादा कामयाबी उसमें नहीं मिली थी। तो उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी जो है ज्वाइन कर ली थी और काफी समय से एक्टिव भी थे, और अभी जो आम आदमी पार्टी की यात्रा रही है बदलाव यात्रा, उसमें भी दोनों जो है काफी एक्टिव रहे थे, लेकिन जब यात्रा का फेज खत्म हुआ है उसके बाद तुरंत जो है आज से अचानक इस्तीफा दोनों ने सुशील गुप्ता को भेज दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।